नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया की खास पेशकश। आइए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, मानो पूरे देश में दिवाली हो। ठीक उसी तरह खरगोन जिले के कसरावत तहसील की ग्राम मुल्ठान, जो कि मां आशापुरी नगरी है, प्रातः मां आशापुरी की नगरी से होते हुए ये कलश यात्रा ग्राम के मुख्य चौराहे होते हुए ग्राम हीरापुर तक निकाली गई। इस भव्य यात्रा में जगह जगह चाय नाश्ते के स्टॉल लगाए गए। ग्राम मुल्ठान एवं हीरापुर के करीब हजारों श्रद्धालुओं ने आज भगवान श्री राम जी के इस मंदिर निर्माण को लेकर ग्रामीण मुल्ठान में आज विशाल और भव्य कलश यात्रा निकाली। इस भव्य और विशाल भंडारे की तैयारी एक सप्ताह पहले से की गई। हर घर घर जाकर और भव्य विशाल भंडारे को पीले चावल से आमंत्रण किया गया। ढोल बाजे और डीजे की धुन से में हजारों श्रद्धालुओं माता बहनों थिरकते रहे। वहीं जय श्री राम के जयकारों से पूरा ग्राम गूंज उठा, साथ ही आतिशबाजी की गई। वहीं श्रद्धालु खुद को रोक न सके, माता बहनों ने एक दिन पहले ही अपने अपने घरों की साफ सफाई कर सजावट की ओर हर घर में रंगोली दीपक जलाए। वहीं ग्राम मुल्ठान जगह जगह मंदिरों को सजाया गया। वहीं ग्राम गांव गली मोहल्ला भगवान श्री राम जी के झंडों से भगवामय हो गया। वहीं इस भव्य कलश यात्रा में भगवान श्री राम की भव्य झांकियां निकाली गई। भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा का दिन भारत का गौरव का दिन है। माँ आशापुरी की नगरी मुल्ठान में प्रभु श्री राम जी के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस भव्य और विशाल भंडारे में करीब 12,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। कसरावत से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए पेथा जाखर की रिपोर्ट। आज ग्राम मुल्ठान में ये जो भव्य आयोजन किया गया है, कहाँ कहाँ तक के श्रद्धालु यहाँ पर प्रसादी ग्रहण की? पहले तो सबको जय श्री राम। आज जो भंडारा हुआ है, पूरे ग्रामवासी मुल्ठान और हमारे मुल्ठान से लगा ग्राम हीरापुर, सभी श्रद्धालु राम भक्त भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। और इस भोजन प्रसादी में करीबन 10 से 12 हज़ार श्रद्धालुओं ने भोजन प्राप्त कर रहे हैं। और सारे ग्रामवासी और सभी श्रद्धालु और सभी हीरापुर मुल्ठान की ओर से के सहयोग से ये भंडारा सफल हो रहा है। आज प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है ग्राम मुल्ठान में। हमने देखा कि कई बार ऐसे कार्यक्रम होते रहे, क्या बता? देखिए, सभी को जय श्री राम। और ये मेरा कहूँ या हम सभी का सौभाग्य कहूँ कि 500 वर्षों के संघर्षों के बाद, इतने हिंदुओं के बलिदान के बाद, आज अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर तैयार हो रहा है। और आज उसी मंदिर में प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो उसी को लेकर हम सभी ग्रामवासियों ने भी ये विचार करा कि हम सब लोग भी मिलकर अपने गाँव को भी अयोध्या बनाएँ। और इस प्रकार से सबका विचार बना और शोभा यात्रा और भंडारे का आयोजन हो रहा है माँ आशापुरी के इस पावन नगरी मुल्ठान में। आज प्रभु श्री राम जी का भव्य अयोध्या में मंदिर बनाया जा रहा है, ठीक उसी की तर्ज में ग्राम मुल्ठान में जो आज आयोजन हो रहा है, तो क्या क्या मतलब व्यवस्थाएं लगाई? श्री राम जी की कृपा से अयोध्या में निर्मित जो राम मंदिर बन रहा है, उसकी आज प्राण प्रतिष्ठा हुई। साथ में पूरे मुल्ठान के नागरिकों ने इकट्ठा होकर यह प्रयास किया कि उसी आयोजन को मुल्ठान में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, जिसमें गांव के महिला पुरुषों ने पिछले 5 रोज से गांव में प्रभात फेरी निकाली। उसके बाद आज सुबह भगवान श्री राम की झांकियों के साथ में भगवान की शोभा यात्रा निकाली, जिसमें मुल्ठान हीरापुर और आसपास के सभी नागरिक उपस्थित हुए। और उसके बाद दोपहर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में मुल्ठान में भंडारे का आयोजन हो रहा है, जिसमें मुल्ठान हीरापुर और आसपास के सभी गणमान्य नागरिक पधार भी रहे हैं। माता बहनें हैं, भाई हैं, पधारे हैं और सभी के सहयोग से ये विशाल भंडारा मुल्ठान में आयोजित किया गया है।